YouTube चैनल वी आर इंग्लिश अकेडमी। आज हम लोग लॉन्ग आंसर करने वाले हैं। देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स। मंडेला देश भक्तों के बारे में क्या सोचते हैं। कैन दे बी रिपेड, क्या उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। तो देखिए नेशनल मंडेला थिंक्स, नेशनल मंडेला सोचते हैं that the freedom and democratic government have all come only due to great sacrifice of lots of patriots, के जो आजादी तथा गणतंत्र की सरकार है वो है केवल महान देशभक्तों के बलिदान से आई है। they were those people, वे वो लोग थे who did not care about their lives, इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, एंड डाइड फॉर देयर सिटीजन्स, और अपने नागरिकों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, एंड कंट्री, और अपने देश के लिए। दे कैन नॉट बी रिपेड, उन्हें भुगतान नहीं किया जा सकता, यानी उनके काम की कीमत नहीं दी जा सकती है। ऑल्सो ही थिंक्स हिमसेल्फ, और वह खुद भी सोचते हैं, द सम ऑफ ऑल दोज, उन सब के लोगों के बारे में हु हैड सैक्रिफाइड देयर लाइफ, जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, नाउ ही रिग्रेट्स, अब उन्हें दुख होता है, दैट ही कुड नॉट थैंक देम, वे उनको धन्यवाद नहीं दे सके। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेले के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थिज ग्रेटली बाउंडेड द पीपल विच वॉज हार्ड टू रिकवर। मतलब मंडेला के अनुसार जो रंगभेद नीति थी उसने लोगों को बहुत गहरे घाव दिए। वॉज हार्ड टू रिकवर, वो टेक मच टाइम, उन्हें ठीक होने में अधिक समय लगेगा। दीज ग्रेट पैट्रियट्स वर ओलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिसुलु, लू थीली, डाडू फिशर एटसेट्रा, यानी ये कौन है, ये देशभक्त हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिया देखो, बिल्कुल देखिए, लेकिन नंबर दो प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा, नंबर दो है What ideas does Mandela have about courage, love and hate? Mandela के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या है? According to Mandela, Mandela के अनुसार he learned the meaning of courage from his companions, उन्होंने अपने साथियों के साथ साहस की परिभाषा सीखी, who struggled very hard for the freedom of the country, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। They did not care for their lives, उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, and sacrificed everything for their people and countrymen, उन्होंने अपने माता पिता तथा देश के लिए बलिदान दे दिया। They did not break before the brutality of the oppressors and showed their full strength. So Mandela learned courage from them. मंडेला ने उनसे साहस सीखा। टू हिम करेज मीन्स नॉट टू अब्सेंस ऑफ फियर, उनका अर्थ है यानी उसमें डर ना होना। बट द विक्ट्री ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर विजय मिलनी चाहिए। द ब्रेव मैन इज वन Who conquers fear? बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। No man is born hating another man, कोई व्यक्ति जन्म से किसी से घृणा नहीं करता है। Due to color or religion, रंग और धर्म के आधार पर, love comes from natural to the human hearts, यानी जो प्रेम है वो मनुष्य के हृदय से स्वाभाविक रूप से आता है। That hate, जो कि घृणा है, sorry,
लव कम्स हो गया। अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। उत्पीड़क और उत्पीड़क करने वाला दोनों ही घृणा के कैदी होते हैं। नो वन कैन बिकम हैप्पी आफ्टर टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम। कोई भी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता जब तक वह दूसरे की आजादी में दखल देगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, मंडेला नेशनल मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट, नेशनल मंडेला अफ्रीका की आजादी हीरो थे। ये आपका 2023 में आया है, 2023 के पेपर हुए थे उसमें आया था, ठीक है, और शायद 2024 के में भी सेट में आया है, ठीक है। नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आजादी के आंदोलन के वास्तविक हीरो हैं। हिज कंसाइंस इनकरेज्ड हिम, उनकी अंतरात्मा उन्हें प्रोत्साहित करती है टू डिमांड अ रेस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए सम्मानित तथा एक विशेष जीवन। ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, वह हमेशा ही दृढ़ संकल्पित रहता है अपनी दोहरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली एज वेल एज हिज कम्युनिटी। ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है किसके प्रति, परिवार के प्रति, एज वेल एज हिज कम्युनिटी और एक अपने समुदाय के प्रति। ऑल्दो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, यद्यपि वह ऐसा करने से रोकता है, Yet he did not stop and got discouraged. वह रुकता नहीं और उदास हो जाता है। He became homeless in spite of all these difficulties. इन परेशानियों के बावजूद he did not change his decision. उसने अपना वादा नहीं बदला। He did not care the apartheid policy and raised his voice against the racial system. उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने रंगभेद नीति की परवाह नहीं की, एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल सिस्टम, और जातिवाद के प्रति अपनी आवाज उठाई। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की दैट दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री। इसने, इस तंत्र ने लोगों को लंबे घाव दिए हैं। He fought against it, वह उसके विरुद्ध लड़ा, and at last got success, और सफलता मिली। He became the first black prisoner of South Africa, वह South Africa के काले पहले राष्ट्रपति थे। नंबर चार, व्हाट वर डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज कंट्री। अपने लोगों की आजादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन हिज अटेम्प्ट टू गेट फ्रीडम फॉर हिज कंट्री मैन फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थीज़, इस प्रयासों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने देशवासियों को कैसे रंगभेद नीति थे। नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मेनी हार्डशिप्स। नेल्सन मंडेला को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सफर्ड अ लॉट ऑफ और बहुत सारे कष्ट सहे। ही हैड टू सैक्रिफाई द कंफर्ट ऑफ हिज होम, उसे अपने घर का आराम का बलिदान करना पड़ा, एंड लविंग फैमिली और प्यारे परिवार का। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउट लॉ फॉर डिमांडिंग क्वालिटी फॉर ऑल हिज फेलोज ब्लैक अफ्रीकन्स। He was punished, isolated, and put into jail. उसे पकड़ लिया गया और उसे अकेला रखा गया, जेल में डाल दिया गया। He along with his companions, फिर से वह अपने साथियों के साथ होता है। Was oppressed, दबाया जाना।
ही अलोंग विद हिज कंपेनियंस अपने साथियों के साथ वॉज अप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड बियॉन्ड टॉलरेंस ही सफर्ड हंगर उसे भूख लगी ऑपरेशन एंड इनजस्टिस बट कैप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस डूर बर्निंग इन हिज हर्ट लेकिन उसने अपने दिल में उसको जलने दिया ही सोब्ड करेज उसने साहस दिखाया प्रेसिडेंट स्ट्रगल राष्ट्रपति के संघर्ष एंड अनपेरेबल सेक्रीफाइस बोर फ्रूट्स एंड फाइनली साउथ अफ्रीका गेट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड ऑन 10 मई 1994 यानी अंततः रंग भेद की जो नीति थी 10 मई 1994 को समाप्त हो गई। देखो वॉट डज नेल्सन मंडेला रेफर्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी नेल्सन मंडेला रंगभेद नीति को दर्शाते हैं द व्हाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इसे एक विशेष मानव आपदा का एज व्हाइट पीपुल स्नेस्ड फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका टू होम कंट्री बिलोंग यानी गोरे लोग काले लोगों से कहां के अफ्रीका के से जिससे वो संबंधित हैं ब्लैक पीपुल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर लॉन्ग ऐसा समझा जाता था कि जो काले लोग होते थे उनका शोषण होता था दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन टू देयर ओन फैमिलीज यानी उनकी जो प्रतिज्ञाएं थी अपने अपने लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए व्हाइट पीपल हैड नो कंपैशन फॉर देम गोरे लोगों को उनके लिए दया नहीं थी एंड ऑप्रेस देयर ओन पीपल एंड पुट देम इन प्रिजन और अब उत्प्रेरक उन्हें अपने लोगों को जेल में डाल देता है इफ दे हैड सम फ्रीडम यदि उनके पास आजादी है इट वॉज कर्टेल्ड इसको ढक दिया गया है द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ अ स्लेव काले लोग गुलाम की तरह जीवन यापन करते थे ठीक है। और हमारे सारे शॉर्ट्स इस वीडियो में सारे लॉन्ग कंप्लीट हुए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।